मानसून का तूफानी स्पेल, बारिश ने लाहौर को धो डाला। वासा की कारकर्दगी दिन भर तैरती नजर आई। शहर की अहम शाहराहें पानी में डूबी रहीं। कजाफ स्टेडियम, वॉल्टन रोड, लॉरेंस रोड तालाब बना रहा। जैन मंदिर चौक, चुबुर्जी, मजंग चौक भी डूब गया। मॉल रोड, गढ़ी शाहू, बगबानपुरा पानी पानी हो गया। कच्चा चल रोड, चुंगी, अमरसधू, डिफेंस रोड वालों को परेशानी। मुस्तफाबाद, शादमान, बदामी बाग, सब्जी मंडी डूबी रही। गुलबाग, लिबर्टी मार्केट, हुसैन चौक, नूरजहां रोड भी तैरता रहा। बारिश आई और चली गई, नशेबी इलाकों से पानी ना गया। रेलवे स्टेडियम गढ़ी शाहू के सामने गटर उबल पड़े। सेवरेज मिला गंदा पानी, बाहर आने से शहरियों को मुश्किल। लोग घरों से अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। नेस्टर टाउन से मलहक्का जट रोड का बुरा हाल, पैदल गुजरना भी दुश्वार। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का बारिश के बाद शहर का दौरा। लक्ष्मी चौक में वासा कैंप देखा, निकासी आप का जायजा। गवाल मंडी, दिल मोहम्मद, एबट रोड, मैक्लोड रोड पर निकासी आप के लिए ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने जीपीओ चौक, शादमान, डेविस रोड और हॉल रोड समेत दीगर शाहराहों का भी दौरा किया, शिकायत भी सुनी। बारिश ब्यूरोक्रेसी को बंद कमरों से निकाल लाई। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का शहर का दौरा। डीजीएलटी और एमडी वासा निकासी आपका बताया। डीसी राफ अहद ने बदामी बाग, पीर मकी रोड का दौरा किया। दाता दरबार, भाटी गेट और मुलहक्का इलाके देखे। सीटीओ माराथ ने ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई। मानसून में वबाई अमराज फैलने का खदशा। हैजा, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई फैलने का खतरा। डेंगू, मलेरिया के केस में भी बढ़ेंगे। महकमा सेहत ने बचाव के लिए अलर्ट जारी कर दिया। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत। कर्ज में डूबे पंजाब के अफसरान के लिए सहूलियात। मिस की ताजी नौराश 1 अरब 11 करोड़ तक पहुंच गई। महकमा वक्स ने GOR1 में काम के लिए मजीद 48 करोड़ मांग लिए। मेस में पर्दे तब्दील किए जाएंगे। सीलिंग के साथ फैंसी लाइट्स और गेस्ट रूम्स की तामीर और मरम्मत भी होगी। हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। नया माली साल शुरू होते ही पेट्रोल महंगा, शहरी फट पड़े। पेट्रोल 7.75 रुपए इजाफे के बाद 265.61 रुपए लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 9.56 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 277.45 रुपए फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत 9.88 रुपए बढ़ाई गई। एलपीजी की कीमतों में भी मामूली रद्द बदल। घरेलू सिलेंडर 2,770 रुपए तक पहुंच गया। रेलवे ने फ्रीट किरायों में 3% इजाफा कर दिया। मालगाड़ियों के फ्रीट किरायों में इजाफे का इतलाक 3 जुलाई से होगा। स्टील की तारों और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील पर इजाफी किराया लागू नहीं होगा। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो गया। कीमत 1,950 रुपए तक पहुंच गई। आटा महंगा होने से रोटी, नान और बेकरी आइटम्स महंगी होने का खदशा बढ़ गया। कभी आटा महंगा, कभी बिजली महंगी, अब पेट्रोल बम गिराती आवाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। मिली रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से हालिया महंगाई को फौरी कम करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का भी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा। रेलवे रूट गवाल मंडी के रिहायशी बिजली बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा, बिजली आती नहीं और बिल रुकते नहीं। सुई गैस कंपनी की नेटवर्किंग ऑपरेशनल। लाहौर ईस्ट और लाहौर वेस्ट की तकसीम में 6 माह लगे। SMS फिरोजपुर रोड और बरकी की तामीर मुकम्मल। इनपुट सर्विसेज की तादाद 3 से बढ़कर 7 हो गई। सेल्स से मीटर स्टेशन की तादाद बढ़ने से गैस का प्रेशर बेहतर होगा। नए माली साल का आगाज। महकमा एक्साइज ने सिस्टम अपग्रेड कर दिया। ट्रांसफर फीस और टोकन टैक्स में इजाफा। लाइफ टाइम टोकन टैक्स वसूली में तब्दीली कर दी गई। अल्कोहल के परमिट कंप्यूटराइज्ड जारी होंगे। सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की सीसी के बजाय इनवॉइस वैल्यू पर वसूल। वज़ीर-ए-आला की रोशन घराना स्कीम को ब्रेक लग गई। PND बोर्ड ने मंजूरी देने के बजाय इतराजात लगा दिए। PC1 महकमा एनर्जी को वापस भेज दिया गया। स्कीम पर मुस्तफीद लोगों के कवायद पर इतराजात उठाए गए। मुफ्त सोलर देने के लिए 9.88 अरब करोड़ का बजट मांगा गया था।
नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार, लाहौर में एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और 10 टाउन, तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। शहर में 300 यूनियन काउंसिल बनाए जाएंगी। 2 से 7 लाख आबादी वाले शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। नया एक्ट महकमा कानून को जायजा लेने के लिए 8 साल। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम रजिस्टर्ड न होने का इंकशाफ, सैकड़ों डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दाव पर लख्या। जिना अस्पताल में 32 प्रोग्राम मंजूर शुदा नहीं। मेयो अस्पताल 3, PIC में 5 प्रोग्राम रजिस्टर्ड नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 2, न्यूरो साइंसेज 8, सर्विसेज अस्पताल में 31 प्रोग्राम गैर रजिस्टर्ड। पंजाब में 15 अफसरान के तकर्रु तबादले, साजिद बशीर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन मुकर्रर। लुबना नज़ीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ लगा दिया गया। जाओ नदीम अख्तर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खुराक तैनात। नूरुलैन कुरैशी एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना मुकर्रर। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब जावेद अख्तर महमूद को OST बना दिया गया। ताहिर रजा बुखारी सेक्रेटरी औकाफ पंजाब तैनात। SP सैयद असद मुजफ्फर का पंजाब से FIA तबादला कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। जलाओ घिराओ के 3 मुकदमात का जेल ट्रायल, प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी का जिमनी चालान तैयार कर लिया। अदालत ने मोहलत के लिए इस्तदा मंजूर कर ली। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर की जेल में हाजिरी मुकम्मल, कार्रवाई 4 जुलाई तक मुलतवी। बैंकिंग अदालतों का 12 नादहिंदा कंपनियों के असास से नीलाम करने का हुक्म, नीलामी की तारीखें लिखकर इश्तहार अवेजा कर दिए गए। 7 अदालतों ने समाप्त के बाद डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। सूबाई वजीर शाफे हुसैन से मंडी बाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स की मुलाकात, पार्टी की तंजीम साजी, तरक्याती मसाइल और हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर बातचीत। सूबाई वजीर ने कहा इंडस्ट्री को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का प्लान बना लिया। महकमा दाखिला का मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए कैबिनेट कमेटी बनाने का फैसला, कैबिनेट कमेटी मुहर्रम में डिविजनल हेडक्वार्टर्स के दौरे करेगी। कमेटी में ख्वाजा सलमान नफीक चौधरी, शाफे हुसैन, आशिक हुसैन किरमानी, मियां मुज्तबा शुजा और वजीर ट्रांसपोर्ट शामिल होंगे। बिजली के बिलों और टैक्सों ने जीना मुहाल कर दिया, मुआशी कत्ल बंद करो। अंजुमन ताजरान का आद आजम ग्रुप लाहौर भी फट पड़ा। पैट्रन इन चीफ इमरान बशीर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मालिक एजाज सदर नासिर अंसारी की भी शिरकत। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी पेट्रोल कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया।